ओके, अब स्टार्ट कर देते हैं। गुरुकुल का जो कॉन्सेप्ट है पहले वो समझो, गुरुकुल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया मेरे पास, ठीक है, गुरुकुल मैंने कैसे चलाया, ये सब आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गुरुकुल ऐसे आया कि स्टूडेंट था मेरा, ठीक है, उसको मैंने थोड़ा सा लॉकडाउन में फ्रस्ट्रेट था, उसको मैंने जस्ट गाइड किया, ठीक है, और गाइड करके मैंने उसको कुछ टॉपिक्स बताए, उसको कुछ वीडियोस दिए अपने खुद के, मैंने बोला इसको तुम पढ़ो, और पढ़ के उसके बाद मैंने उसको गाइड किया कि रिज्यूम बनाओ परफेक्टली। मैंने उसके रिज्यूम खुद से बनवाए, ATS फ्रेंडली रिज्यूम, आगे बताऊंगा क्या होता है। प्रॉपर मैंने उसके रिज्यूम बनवाए, और रिज्यूम बनवाने के बाद मैंने बोला कि देखो ये रिज्यूम ऐसे बनाओ, उसके बाद मैंने उसका पोर्टफोलियो तैयार करवाया, ठीक है, उसका पोर्टफोलियो तैयार करवाया, उसका रिज्यूम तैयार करवाया, और उसको बोला कि इस कंपनी में पर्टिकुलर जाके अप्लाई करो। उसने अप्लाई किया, मैंने उस कंपनी की पूरी हिस्ट्री निकाली, वहाँ पर क्या क्या पूछ सकते हैं, उसका कंटेंट उसको मैंने खुद, मेरे पास मैक्सिमम कंटेंट थे पहले से ही, मैंने उसको दिए, मैंने बोला ये पढ़ डालो। और वो लड़का बहुत ही मेहनती था, इसमें इसको कहने में मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है, मेरे से ज़्यादा मेहनत उसने किया था, ठीक है। तो मैंने जैसे उसको दिया और उसने पढ़ा और उसका सिलेक्शन हो गया उस कंपनी में पर्टिकुलर। फिर मैंने देखा कि कंटिन्यू, फिर मैं उस वो मेरे साथ हमेशा से टच में था, अभी भी टच में है वो लड़का, फिर वो मेरे से कंटिन्यू टच में था। वो बोला सर यहाँ पर मेरा मतलब कि डेफिनेटली उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो मैंने 3-4 महीने के बाद मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, 6 महीने इसमें करो, और उसके बाद मैंने टारगेट कर लिया कि अब इसको मैं इस कंपनी में करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं ऐसे करता रहता हूँ पर्सनली, कई लोग जानते हैं मुझे इसके बारे में, मेरे को जो ऐसे लगता है कि ये बंदा मेहनती है, मैं अपने छोटे भाई की तरह उसको जितना हो सकता है उसको गाइड करता हूँ। तो मैंने उसको गाइड किया और मैंने बोला इस कंपनी में तुम पर्टिकुलर जाओ। उसने अप्लाई किया, मुझे पता था वहाँ क्या क्या पूछ सकते हैं। अब वो लोग सर आपको कैसे इतना पता, तो भाई इसलिए पता है क्योंकि मेरा 7 साल हो गया है स्ट्रक्चर्स ऑफ बीम में, तो मुझे निचोड़ आ चुका है। और रही बात बीम के लिए, तो मैं ये बोल दूँ कि मेरा एक नोट्स है, ठीक है, एक नोट्स है, आज तक उस नोट्स के बाहर से किसी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं है BIM में, इसके लिए मैं कहीं पर लिख भी सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंट हूँ। तो मैंने उसको गाइड किया, और गाइड करने के बाद फिर 6 महीने बाद उसका पैकेज बढ़ा, ठीक है, उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी हाई कर गई। तो फिर मैंने सोचा यार इसका तो बड़ा अच्छा हो गया, इसने लॉकडाउन में कितना फ्रस्ट्रेट था, इस सिचुएशन पे था कि सर मेरा कुछ नहीं हो सकता है, साइट पर जाता था रात को, कभी 1 बजे आता, कभी 12 बजे आता, ठीक है, घर वालों से भी उसको फ्रस्ट्रेशन मिलती, हर तरीके से वो फ्रस्ट्रेट था, ठीक है। और इसका कैरियर कितना अच्छा हो गया, मतलब मैंने पहले गाइड किया तो इसका यहाँ हो गया, अब गाइड किया तो यहाँ हो गया, और फिर मैंने उसको गाइड किया, इस समय वो दिल्ली की जो सबसे अच्छी स्ट्रक्चर्स की कंपनी है उसके अंदर वो जॉब कर रहा है, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ आइडिया लगा कि मेहनत तो सारा इसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा क्या हेल्प था, मेरा हेल्प था कि यार मैंने इसको सिर्फ गाइड किया, एक डायरेक्शन दिया, और ये बढ़ता चला गया, ऑटोमेटिक इसका कैरियर बूस्ट होता चला गया। तो मेरे कॉन्सेप्ट आया कि यार एक बच्चे को मैंने गाइड किया और उसका कैरियर अगर इतना बेहतर हो सकता है, तो क्यों ना मैं कुछ बल्क में बच्चों को गाइड करूं और वो वहां तक पहुंच जाए। यहां से कॉन्सेप्ट आया गुरुकुल का। ऑलरेडी आप सबको पता है पहले वो वीडियो कोर्स वगैरह तो अपने थे ही, लेकिन ये गुरुकुल का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। और आपकी शायद ये चौथी, अब चौथी बैच रहेगी जिस बैच में आप लोग जा रहे हो BIM के, लेकिन मुझे ये आइडिया लग गया कि भाई जिसको अगर गाइड कर दिया जाए, क्योंकि पोटेंशियल आपके अंदर मेरे से ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपसे थोड़ा सा ज़्यादा अचीव कर चुका हूँ, तो मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया हूँ एज़ कम्पेयर टू यू। आपके अंदर बहुत फायर है क्योंकि आपको बढ़ना है, आपको शादी करनी है, आपको कार लेनी है, आपको बहुत सी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ, आपके अंदर एक एनर्जी है, उसको डायरेक्शन देना है। तो डायरेक्शन देने के लिए एज अ बिग ब्रदर बोलो, एज अ मेंटर बोलो, मैं आपके साथ आ रहा हूँ, ठीक है, गुरुकुल की बैच में जितना हो सकेगा सुबह से शाम तक मैं जितनी भी हेल्प हो सकती है मैं आपको प्रॉपर करूँगा। करना आपको बस इतना पड़ेगा कि आपको डेली का आपको मिनिमम 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे। अगर वो नहीं हो पाता आपसे, बिलीव करो मत करो गुरुकुल ज्वाइन। क्यों, क्योंकि गुरुकुल ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर आपके पैसे भी वेस्टेज चले जाएंगे अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो, और प्लस फ्रस्ट्रेशन अलग से आएगी क्योंकि गुरुकुल में एक एनर्जी है, यहाँ पर एक कम्युनिटी बिल्ड होती है, और उस कम्युनिटी में बहुत से लोग बहुत अच्छा अच्छा काम करेंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे यार सब कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें वही कर सकता है जिसके अंदर एक हो कि नहीं मुझे करना है, बड़ा करना है, अगर वो आपके दिमाग में है तो बिल्कुल आ सकते हैं, नहीं है 1-2 घंटे का शॉर्टकट खोज रहे हो तो बिलीव करो ये बेकार है कोर्स, ठीक है, मैं पहले से क्लियर कर दूँ। अब कैसे इसमें ट्रेनिंग होती है ये बताता हूँ। तो मैंने प्लान किया क्योंकि डेफिनेटली मेरा टाइम शेड्यूल है एक, तो उसमें से मैंने ये निकाला कि मैं मिनिमम 1.5 घंटे एक बैच को दे सकता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बैचेस में लेता नहीं, 2-3 मैक्सिमम 4, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि 1.5 घंटे मैं देता हूँ। 1.5 घंटे कैसे देता हूँ,
स्टार्टिंग का जो आधा घंटा होता है उस आधे घंटे में परफेक्टली आपको स्ट्रक्चर्स के लिए, बीआईएम के लिए, क्योंकि दोनों ही कॉन्सेप्ट हमें बहुत जरूरत पड़ती है इंटरव्यू में। भाई सीधे सीधे आप सिविल से हो, ठीक है, तो आपसे हर तरह की चीज़ें पूछते हैं, तो स्टार्टिंग के आधे घंटे में आपको पूरी तरीके से ब्रशअप करता हूँ कि बीआईएम में क्या क्या आना चाहिए, 2D क्या है, 3D क्या है, LOD क्या है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कुछ लोगों ने शायद सुना होगा इसके बारे में, ये क्या है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग क्या है, जीरो एनर्जी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या है, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो BIM के अंदर आती है, ठीक है। तो ये आधे घंटे में आपको 4 महीने तक गाइड करता हूँ, ये पहली चीज होती है। नेक्स्ट आधे घंटे में मैं आपको डेली प्रोजेक्ट्स देता हूँ और वो प्रोजेक्ट आप करके आते हो, प्रोजेक्ट ही केवल नहीं रहता है, प्रोजेक्ट के साथ आपको 1.5 घंटे का लेक्चर देता हूँ, आपको 1.5 घंटे का वीडियो लेक्चर दूंगा, साथ में प्रोजेक्ट दूंगा, वो प्रोजेक्ट वही कर पाएगा जो वीडियो लेक्चर को वॉच करेगा। तो वो मैं आपका पर्टिकुलर एवरी डे एवरी पर्सन का एक एक करके चेक करता हूँ और उसमें जो गलती रहेंगी, जो एरर रहेंगे, उसको मैं सही भी करूँगा, फिर दूसरे दिन के लिए टास्क देता हूँ। तो 1 घंटा हो गया। लास्ट का जो आधा घंटा होता है ये मैं आपको देता हूँ, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन आस्क, आप पूछ सको वो सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है कि यार ये क्या होता है, मैंने सब वीडियो कोर्स देखा उसमें एक चीज़ ये प्रॉब्लम आया था मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है, किसी ने बोला सर मैं रेबिट सेटिंग कर रहा हूँ बट मटेरियल लगा रहा हूँ वो इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, लॉट्स ऑफ थिंग जो आपको बार बार दिक्कत में आती है, तो लास्ट का आधा घंटा आपको देता हूँ। तो टोटल कितना हो गया, 1.5 घंटे हो गए जो लाइव में आपके साथ 4 महीने तक रहूँगा। उसके बाद आपको 1.5 घंटे का डेली वीडियो लेक्चर सुनना पड़ेगा, 3 घंटे हो गए, और मिनिमम 2 घंटे का प्रैक्टिस चाहिए तो 5 घंटे हो गए। अब प्रैक्टिस कोई स्पीड में कर लेगा तो 1 घंटे में निपटा सकता है, ठीक है, तो लेकिन 4 घंटे के नीचे तो हो ही नहीं सकता, ये फिक्स है। तो जिसके पास 4 घंटा है, ठीक है, अपने लाइफ का, और देखो ये नहीं करोगे तो आप इन फ्यूचर परेशान ही रहोगे, क्योंकि बहुत से लोग साइट पर हैं तो उनको अच्छे से एक्सपीरियंस होगा, अभी खुद ही आप बताओगे कैसे लाइफस्टाइल होती है। अगर एक ऑफिस की लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना है, आपको मॉर्निंग में 9 o'clock पे जाना है और इवनिंग में 6 बजे आपको वहाँ से निकलना है, सैटरडे और संडे आपको हॉलीडे मनाना है अपनी फैमिली के साथ, एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, तो बिलीव करो बीआईएम से बेहतर करियर कहीं पर नहीं हो सकता है, ठीक है, इवन स्ट्रक्चर्स में भी सेम है, ठीक है। तो बीआईएम में आपको एक ऑफिशियल जॉब मिलेगी, आज के टाइम अगर आप पैकेज देखते हो कि बीआईएम का, तो आप खुद ही चकरा जाते होगे, ठीक है, मैं खुद ही चकरा जाता हूँ, आपको क्या बोलूँ, ठीक है, मतलब 26-26 लाख के यहाँ पर बीआईएम मैनेजर की सैलरी मिल रही है। बीआईएम के अलग अलग पोस्ट है, मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, कोऑर्डिनेटर क्या होता है, बीआईएम कोऑर्डिनेटर, बीआईएम मॉड्यूलर, बीआईएम मैनेजर, बीआईएम स्ट्रक्चर डिटेलर, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोफाइल्स इन बीआईएम, सब डिस्कस करूंगा, वो क्लास के अंदर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा ट्रेनिंग जो कि 5 घंटे का टोटल चलेगा। इसके अलावा क्या करते हैं इसमें, देखो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं कि आपका असाइनमेंट चेक कर लिया, आपको नया टास्क दे दिया, ये तो आप घर पे ही भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या करता हूँ जो थोड़ा और यूनिक हो जाता है, आपको मैं एक टाइम पीरियड देता हूँ, उस टाइम पीरियड में आपको कैट टेस्ट देना पड़ता है, मतलब एक प्रोजेक्ट दूंगा और उस प्रोजेक्ट को इतने सेकंड के अंदर या इतने मिनट के अंदर आपको बना के सबमिट करना पड़ता है। उससे क्या होता है, उससे आपकी स्पीड बूस्ट हो जाती है, और हर कंपनी को भैया चाहिए क्या, जितना फास्ट काम उतनी ज़्यादा तुम सैलरी ले लो, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाता है यहाँ पर, हर 15 दिन पर कैट टेस्ट होता है आपका और उसको आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है BIM के जो गुरुकुल के अंदर अच्छी चीज़, हम सब कहीं ना कहीं बिलीव करो BIM जो कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में ऐसे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, ठीक है, आंसर क्या दूँ, किसी से पूछ ले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो वो कन्फ्यूज हो जाता है, मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। यहाँ पर हर चीज़ का एक सीनरियो बना दिया है कि यही बताना है आपको, इस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। मैंने लगभग कितने क्वेश्चन हैं, 300 के आसपास क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें से 80 क्वेश्चन तो HR के हैं पर्टिकुलर, उन 80 क्वेश्चन को जिसने पढ़ लिया, HR के क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आएंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस टेक्निकल BIM के हैं, जिसने उसको पढ़ लिया उसके बाहर से नहीं आएंगे। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, और एवरी वीक हर फ्राइडे को राजन पर्टिकुलर इंटरव्यू देंगे, हर्षिता अपना इंटरव्यू देंगी, आनंद देंगे, अंगद देंगे, वैभव देंगे, सबको अपना इंटरव्यू एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसलिए क्या होता है ना, आपको रट जाता है कि अरे यार इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कितने बार बोल चुका, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ कितने बार बोल चुका, व्हाट इज BIM कितने बार बोल चुका, तो आपके अंदर एक प्रैक्टिस आ जाएगी। अच्छी बात यह है कि मैं जो क्वेश्चन एक पर्सन से पूछता हूँ उसको मैं दूसरे से नहीं पूछता हूँ, तो क्या होता है कि आपको एक BIM का इंटरव्यू दोगे, मॉक इंटरव्यू एक फ्राइडे को, तो लगभग सपोज 20 लोग बैच में हैं, तो एक लोग से अगर मैंने 5 क्वेश्चन पूछा है तो आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अब जो उसमें से इंटेलिजेंट बनता है वो क्या करता है, क्वेश्चन लिख लेता है 100 क्वेश्चन, एक फ्राइडे को 100 क्वेश्चन तैयार हुआ, अगले फ्राइडे को 100 क्वेश्चन, अगले फ्राइडे को मान लो 50-250 क्वेश्चन तो हो गए एक महीने के अंदर, मतलब क्या बोलते हैं लगभग 20 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर, और एक महीने में लगभग आपने 300 क्वेश्चन तो मिनिमम हो ही जाते हैं।
और 4 महीने में कैलकुलेट कर लो, 1200 क्वेश्चन के आगे क्या पूछेगा कोई यार, ठीक है, ऐसे ही तैयारी हो जाती है। उसके अलावा इसके अंदर MCQ टेस्ट होते हैं, क्योंकि आप MNC में जाओगे तो वहाँ पर MCQ टेस्ट पक्का होंगे, ऑटोकैट पे, रेबिट पे, ठीक है, टिकला पे, नेविसोर पे, सब पे MCQ क्वेश्चंस होंगे, आपको उनको क्वेश्चन को सॉल्व करके देना पड़ेगा। कुल मिला के आप बस इतना भी बोल सकता हूँ कि 4 महीने के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो एज अ मेंटर। तो 4 महीने में BIM में आप कहीं से भी आपके अंदर ये महसूस नहीं होगा कि यार ये चीज़ मुझे नहीं आता है। मेरी कोशिश रहती है जो मुझे न भी आए, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, नहीं, कोई विद्वान नहीं है, एवरीवन इज लर्नर, ठीक है, मैं सीख के सिखाऊंगा, बट मैं आपको BIM की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ परफेक्ट करने की गारंटी पूरी लेता हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी आपके साथ के कई ढेर सारे बच्चे हैं, कई MNCs में, पुणे की, मुंबई की और गुड़गांव की, तो मैक्सिमम जितनी MNCs हैं सब में अपने कोई ना कोई स्टूडेंट है जो कि सेलेक्ट है। तो वो तो मैं, मुझे पता है कि वहाँ पर क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो तैयार करवाऊंगा मैं आपको, उसके हिसाब से एक इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आपको रिज्यूम आपको सिलेक्शन देता है, तो रिज्यूम कैसे बनाना है उसका एक अलग टाइप होता है पर्टिकुलर, ठीक है, वो टाइप मैं आपको दिखाऊंगा। उस टाइप को बनाने के बाद कोई भी सिलेक्ट हो जाएगा, बल्कि अभी एक डेमो चलो दिखाई दूंगा, हमारा एक स्टूडेंट है अभिषेक करके, आज उसका एक MNC में उसका सिलेक्शन हुआ है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, एवरीडे ही लगभग लगभग हो जाते हैं, कई लोग मेरा व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह देखते रहते होंगे तो मैं लगाता रहता हूँ। चलो अब देखते हैं BIM को, ठीक है, तो मैंने ओरली बता दिया क्या क्या करते हैं, अब देख लेते हैं कि पर्टिकुलर जो ऑन पेपर क्या क्या हम लोग सिलेबस वगैरह बना कर रखते हैं, क्योंकि देखो आज के टाइम में सिलेबस वगैरह बनाना जरूरी होता है, लेकिन मेरा बिलीव ये है कि जो जो ट्रस्ट करे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑन पेपर मैं बहुत बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि जो 80% अटेंडेंस कंप्लीट करेगा उसको 4 मंथ का BIM का पर्टिकुलर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मैं देता हूँ, जो 80% से 79% करे उसको मैं नहीं दूंगा, ये भी फिक्स है। हाँ, एक कोई पर्टिकुलर खास रीज़न हो गया, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है उसका एक्सीडेंट हो गया, खुदा न करे कभी ऐसा किसी के साथ हो, या फिर किसी के घर में किसी के, बहुत ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, अच्छा नहीं लगता, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं सबसे ज़्यादा काइंडनेस पर्सन रहूँगा आपके पीछे सपोर्ट के तौर पर, वहाँ पर मैं समझ लूँगा, अदरवाइज 80% अटेंडेंस आपको करना ही करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या क्या BIM में पढ़ते हैं हम लोग, फिर आपके जितने क्वेश्चन होंगे एक एक करके मैं लूंगा और पर्टिकुलर एक एक लोग का आंसर करूंगा, ये मेरा काम है। चलो तो देखो यार, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही जैसे स्ट्रक्चर्स के लिए होता है, वैसे ही BIM के लिए भी सेम इंटर्नशिप होता है आपका। ऑलरेडी आपके BIM के इंटर्नशिप में लगभग लगभग शायद 7 या 8 लोग तो ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, केवल 20 लोग ही रहेंगे, 20 से 21 नहीं होंगे, ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि मुझे आप एक एक बंदे पर पूरा का पूरा फोकस करना है। तो सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल, इसको गुरुकुल मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे ही हम लोग करते हैं, एक साथ डेली असाइनमेंट चेक करना, ऐसे एक पूरा वर्क करना। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, गुरुकुल का मेन टारगेट है आपको एक बेहतर लाइफ स्टाइल देना, वही मेरा मेन कॉन्सेप्ट है। बेहतर लाइफ स्टाइल कैसे हो सकती है, अगर एक आप ऑफिस जॉब पाते हो, 9 to 6 आप जॉब करोगे, सैटरडे संडे आपका हॉलीडे रहेगा, मंथली 2 से 3 वीक्स रहेंगे हॉलीडे रहेंगे, तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो, वही गुरुकुल का मेन कॉन्सेप्ट है। गुरुकुल में सिखाते क्या क्या है, क्योंकि ये भी आप सोचोगे, तो ऑटोकैड सिखाते हैं, रैबिट आर्टिकचर स्ट्रक्चर MAP सिखाते हैं, नेविसोर सिखाते हैं, स्केचअप, 3ds Max, टेक्ला, जिसमें से ज़्यादा फोकस किस पे करता हूँ मैं, ऑटोकैड पे, रैबिट आर्टिकचर स्ट्रक्चर MAP पे और टेक्ला पे और नेविसोर पे, क्योंकि मैक्सिमम जॉब इन्हीं पे लगती है, बट 3ds Max और स्केचअप भी पढ़ा देता हूँ, जिससे कल को आपको अपना खुद का भी काम करना हुआ तो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसके अलावा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद सब जगह नहीं हो सकती या फिर कहीं नहीं हो सकता है इंडिया में, वो है ट्राई टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करूँगा, बोलोगे कैसे सर, नॉलेज से, जितना नॉलेज देता जाऊँगा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। आपको टॉपिक देता हूँ, आप खुद एक्सप्लेन करते हो अपने टॉपिक को यहाँ पर, तो जब एक्सप्लेन करोगे सबके सामने तो आपको फीलिंग आएगी ना कि यार मैंने सबके सामने एक्सप्लेन किया अच्छे से, और वो रिकॉर्डिंग आप खुद सुनते हो तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। फोकस ऑन ईच स्टूडेंट्स, मेरे लिए सभी स्टूडेंट्स खास हैं, इसीलिए केवल 20 स्टूडेंट्स को ही एक बैच में लेता हूँ। अगर मैं लेने को इसमें से मैं 200 भी ले सकता हूँ, पर 200 लोगों का मैं असाइनमेंट्स चेक नहीं कर पाऊँगा, 200 लोगों का एरर बता नहीं पाऊँगा, ठीक है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए केवल 20 स्टूडेंट्स। ट्राई टू बिल्ड योर कंसिस्टेंसी, ठीक है। देखो सच बताऊँ तो गुरुकुल की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग सर फिर यहाँ क्यों आए हैं, तो गुरुकुल सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प करता है आपकी कंसिस्टेंसी में। आप खुद के सीने पर हाथ रख के सोचो,
क्या आपने 5 घंटे कंटिन्यू किसी चीज़ की तैयारी किया है 4 महीने तक? नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पर करना मजबूरी हो जाती है, और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आप सक्सेस हो जाते हो। पूरे मैं बोलूँ कि पूरी पीपीटी में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड यही है, और यही करता है गुरुकुल, और कुछ नहीं। और सब तो सब सबके ही मतलब हर जगह हो सकता है। इंटरव्यू के कंप्लीट गाइड मैं करूँगा आपको, क्या कहाँ पूछ सकते हैं वो मेरी गारंटी है, मैं बता दूंगा, वही पूछेंगे, ये फिक्स है। आपका इंटरव्यू का फियर मैं हटा दूंगा, क्योंकि हर वीक आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, थक जाओगे, कहोगे सर इंटरव्यू नहीं तो हलवा हो गया है। ठीक है, वी विल गाइड यू द बेस्ट कंपनी। मैं हमेशा बताता हूँ कि यहाँ यहाँ पर ओपनिंग चल रही है, ये बेस्ट कंपनी है। कोई भी फर्जी तरीके से 100% प्लेसमेंट, 110% गारंटी वाला कोई फेक प्रॉमिस यहाँ से नहीं होता है। जो नहीं पढ़ेगा उसका कुछ नहीं होगा, जो पढ़ेगा उसका 100% होगा, सीधे सीधे। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम लोग सिविल इंजीनियर गुरुकुल में, ये समझो डेली टास्क रहेगा, वो बहुत टफ होता है। ठीक है, डेली सबको टास्क करना पड़ता है और डेली सबमिट करना पड़ेगा। डेली में एरर और वार्निंग्स बताऊंगा, वीडियो आपको डेली दूंगा पढ़ने के लिए, और उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको टास्क रहेगा करने के लिए। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मजबूत मैं आपको इतना ज़्यादा कर दूंगा, सबको पता ही, मैं यूनिक सिविल के यूट्यूब चैनल पर भी करता रहता हूँ, तो यहाँ तो करना ही करना है। तो एकदम आपकी जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है, कोई बोले सर मैंने इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ाई नहीं की, छोड़ दो, मैं जितना बता दूँ उतना पढ़ लेना, इंजीनियरिंग से ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। वीकली आपका मॉक इंटरव्यू होगा, HR रहूँ, टेक्निकल रहूँ, वो सब मैं करूँगा। कैट टेस्ट होगा आपका हर 15 दिन पे। जब आप बेटर करने लगोगे तो मैं आपको खुद के लाइव प्रोजेक्ट्स दूंगा, ठीक है, और साथ ही साथ ये बताने लगूंगा कि इंटरव्यू कहाँ पर देना चाहिए इस समय पर्टिकुलर लोकेशन पे। सारे सॉफ्टवेयर्स को मैं दूंगा आपको, उनको इंस्टॉल करने का मैं प्रोसेस बताऊंगा। 4 मंथ का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दूंगा विद सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफाइड, MSAB अप्रूव्ड, लेकिन शर्त यह है कि 80% आपका अटेंडेंस होना चाहिए। ठीक है, जिसके पास टाइम नहीं है उसके लिए ये अच्छा नहीं है। लैपटॉप आपको चाहिए चाहिए, 20,000 आपकी फ़ी है। ठीक है, ट्रेनिंग 4 मंथ टोटल चलेगी, आप फी को भी पार्ट में पेमेंट कर सकते हो। और उसके अलावा बस यही अपना मेन फोकस है कि अगर आप बनना चाहते हो तो आओ मेरे साथ जुड़ जाओ। कई लोग सोच रहे होंगे सर आप ऑटोकैड में क्या पढ़ाओगे, रेविट में क्या पढ़ाओगे, सच बताऊँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ट्रस्ट कर सको कि सर के पास अगर मैं 4 महीने दे रहा हूँ तो क्या मुझे बना देंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पर सिलेबस दे दिया है, आप जाके देख सकते हो, मैं डिटेल ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये पूरा सिलेबस है, मेन पार्ट्स ये इसका गुरुकुल का समझो, यहाँ पर सिंबल से भी कुछ समझ में आ रहा होगा। BIM गुरुकुल का A to Z ऑल BIM कॉन्सेप्ट हटाना मेरा काम है। कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन कराऊंगा, कैट टेस्ट कराऊंगा। 2 लोग वेटिंग टिकट में आ गए, ठीक है, नितिन वेटिंग टिकट में आ गए, राज वेटिंग टिकट में आ गए। तो कंप्लीट मैं आपको यहाँ पर जो आप सबको पता है कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन, कैट टेस्ट, मॉक टेस्ट, एवरी डे लाइव प्रोजेक्ट आप करते हो। अब ये लाइव प्रोजेक्ट करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट वो जानते हैं कि मैं अगर आप मेरे साथ अच्छे से करोगे तभी मैं आपको सपोर्ट करूँगा। अच्छा क्या करना है, अच्छा ये करना है कि आपको एवरी डे प्रोजेक्ट करना है बस। आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हो तो, और मैं आपकी जी जान से मेहनत सपोर्ट करता रहा हूँ और करता रहूँगा अगर आप लोग इस चीज़ पे खड़े उतरते हो। बाकी सिलेबस की रही बात तो यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, ठीक है, आप आराम से गो थ्रू हो लेना। ये देखो ये BIM का कंप्लीट सिलेबस है जिसमें रैपिड आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स MMP भी क्या पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। BIM कॉन्सेप्ट्स, 3ds Max और टेक्ला में क्या क्या पढ़ाया जाएगा पूरा टेक्ला का यहाँ पर लिस्ट है, ये सब कुछ आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आराम से आप घर पर बैठ के पढ़ लेना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और जो आपका गुरुकुल है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज ऑल अबाउट गुरुकुल। ठीक है, जो भी टाइम से आगे वो समझ गए होंगे। अब आपका क्वेश्चंस का टर्म है, आपको गुरुकुल से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी लेनी है, ठीक है, एक एक करके आप पूछ सकते हो, जितना मैंने बता दिया। अगर इसके बाहर से कुछ क्वेश्चन बचा है तो। हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, मुझे सर अभी आपसे बात हुआ था तो स्ट्रक्चर तो मुझे नहीं करना है, राइट, आपने जैसा सजेस्ट किया। स्ट्रक्चर क्यों नहीं करना है ये बता दूं, क्योंकि सर स्ट्रक्चर मुझे इसलिए नहीं करना है क्योंकि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए BIM बेटर है, राइट। हाँ, तो अभी मैं प्रेजेंट में भी जॉब कर रहा हूँ, एक MNC कंपनी है और रेबिट आर्किटेक्चर में वर्क करता हूँ, रेबिट आर्किटेक्चर मॉडलर। तो अभी मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे इस कंपनी में मुझे अभी क्या है, अगर मैं अपने आप को स्ट्रक्चर में और MEP में काम नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, मुझे आगे चल के BIM कोऑर्डिनेटर बनना है, करेक्ट। तो अभी मैं जिस प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे तो मुझे वो चीज नहीं मिल पाएगी। ये तो पॉली प्रोफाइल है क्योंकि मॉडलर पॉली प्रोफाइल है।
हाँ पहली प्रोफाइल है तो मुझे सबसे पहला सर एक क्वेश्चन ये था, जैसे टाइमिंग क्या रहेगी सर एक तो बीम टाइमिंग की। ऐसा है कि कोई कह ही नहीं सकता कि सर मैं नहीं आ पाऊंगा। इवनिंग में 10 बजे से 11:30 बजे तक है, ओके ठीक है, ये तो क्लियर हो ये गया। तो बेस्ट दूसरा है। सर ये था, हाँ बेस्ट टाइमिंग है, बहुत बढ़िया। और सर जैसे मुझे एक क्वेश्चन ये था, जैसे बीम कोऑर्डिनेटर के लिए प्रोफाइल के लिए क्या क्या सर मतलब उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो रहती है, बीम वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेटर का एक्सप्लेन काम कर समझो दें। पहले, बीम कोऑर्डिनेटर का हाँ मेन हाँ काम क्या है पता है कि नहीं तुमको? नहीं सर मुझे नहीं ठीक है, पता। कोऑर्डिनेटर जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर एमईपी तीनों की फाइलों को, उनको गाइड करता है, उनसे काम करवा के लेता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटर वही ओके बन सकता है जिसको आर्किटेक्चर का भी अच्छा नॉलेज हो, स्ट्रक्चर्स का भी हो और एमईपी का भी हो। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर के बाद वाली जो प्रोफाइल होती है मैनेजर की होती है, तो पता ही होगा। ठीक है सर, हाँ ठीक है, मालूम है। तो अब मैनेजर कौन होता है? जिसको इन सब का नॉलेज हो, उसके साथ ही साथ उसको मैनेजिंग करना भी आए कि कब प्रोजेक्ट सबमिट करना है, कब लेना है। ठीक है, तो आप अगर ठीक है अपना आर्किटेक्चर्स स्ट्रक्चर्स एंड एमईपी तीनों पोर्शंस पे स्ट्रांग कर लेंगे खुद को, तो मैक्सिमम चांस है कि आप कोऑर्डिनेटर की कंपनी, बट इस कंपनी में भी हो जाएगा, टाइम लगेगा, नेक्स्ट कंपनी में आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर की प्रोफाइल पर अप्लाई कर सकते हो। उनको बता सकते हो कि मुझे तीनों आता है भैया, क्यों नहीं रखोगे आप? हाँ सर, मैं यही चाहता हूँ जैसे नेक्स्ट कंपनी में जो अप्लाई करूँ तो कोऑर्डिनेटर पे ही अप्लाई करूँ, क्योंकि उसमें करेक्ट, सैलरीज अच्छी हैं ज्यादा है। और सर नेविस वर्क का भी काम रहता है कोऑर्डिनेटर का। यस, क्योंकि देखो सीधी सीधी बात है कि आपको कोऑर्डिनेटर क्या होता है, कोऑर्डिनेटर को सब कुछ चेक करना होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी फाइल को उसने एनिमेट कर रखा है, क्लास निकाल रखा है, क्लास रिपोर्ट हो गया, सुना होगा तुमने अपने हाँ वर्ग में। क्लास डिटेक्शन, हाँ, तो अब हाँ क्लास रिपोर्ट आ गई है, तो क्लास रिपोर्ट को पढ़ना तो आना चाहिए ना आपको। हाँ ठीक सही है, तो बात वो है। उसको वही पढ़ सकता है जिसको नेविस वर्क आता है, क्योंकि वो फाइल का रिपोर्ट अच्छा निकल के आता है। ओके ओके। अच्छा एक चीज सर ये थी, जैसे मान लीजिए मैं आपने देखा कोलेबोरेशन के साथ काम होता है रेबिट पे, सेंट्रल राइट, फाइल, सेंट्रल फाइल सेंट्रल फाइल जो होती है, तो सेंट्रल फाइल में तो अगर कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर ने बीम दे रखे हैं राइट, और दूसरे एमईपी वाले ने वहां पे अपनी सर्विसेज ले जानी है एमईपी की, करेक्ट तो क्लैश तो सर वहां पे ही दिख जाता है, तो फिर नेविस बार की क्या जरूरत है। करेक्ट है। क्या होता है कि ये जब बड़े प्रोजेक्ट हो जाते हैं ना, जब प्रोजेक्ट का एक लिमिट खत्म हो जाता है, जैसे तुम 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट में ये चेक करना पॉसिबल होता है, बट ये जब बड़े प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं ना, तो वहां पर डक्ट वगैरह बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर पॉसिबल ही नहीं होता है कि प्रैक्टिकली हर जगह जाके चेक कर पाओ, कहीं ना कहीं थोड़ा नट बोल्ट टच मिल ही जाएगा तुमको। क्योंकि क्लैश का मतलब ऐसे थोड़ी डायरेक्ट ही वॉल पे खट हो रहा है, हल्का सा टच हो रहा है, एमएम में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा उसके लिए हमें क्लैश रिपोर्ट निकालना कंपलसरी हो जाता है। अब मान लो कि तुमने तुमको एक डक्ट पाइप निकालनी है एक वॉल के अंदर से, तुम्हारे उसका साइज है 2 फीट बाई 2 फीट, और वॉल की जो कटिंग हुई है वो 1.5 फीट है या फिर 1.5 फीट से थोड़ा ज्यादा है, कम पड़ गया ना। ठीक है, तो ओके, यहां मतलब पर माइनर डिटेक्शन जो है वो नेविस एग्जैक्टली बर्क में ही आएगा। एग्जैक्टली अब इसके अलावा, अब समझो कि एक जगह मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऐसा था कि एक पाइपलाइन थी पानी की, तो पाइपलाइन कहाँ कैसे आ गई थी, तो पाइपलाइन पार्किंग में आ गया था, 1.5 मतलब कि वो नीचे से 5.5 फीट केवल हाइट बची हुई थी, 5.5 फीट। ठीक है अब सीधा कॉन्सेप्ट है कि एक इंसान की हाइट अगर 5 फीट 8 इंच है, तो क्लास में चला गया ना, वो टकरा हाँ जाएगा। सही है, टकराएगा। ठीक है, तो ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है, पर इसके लिए हमें क्लास रिपोर्ट हमें निकालना पड़ता है वहां पर। तो क्लास रिपोर्ट का मेन काम है माइनर चेक्स करना सारे। अच्छा तो ये पूरा भी सर मतलब अपने उसमें रहेगी, उस कोचिंग में एग्जैक्टली पूरा इसमें हमारा जो रहेगा मैक्सिमम पोर्शन रहेगा वो सिविल का रहेगा, सिविल का। सिविल का रहेगा। क्यों ओके सिविल का रहेगा? क्योंकि हम लोग सिविल बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, हाँ तो आपको अगर कोऑर्डिनेटर भी बनना है तो आपका सिविल बैकग्राउंड ही पहले देखा जाएगा, क्योंकि आप ओके जिस डोमेन से हो, जिस ब्रांच से हो, वही पहला इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए। हाँ। ठीक है, तो इसलिए, चलिए ठीक है, थैंक यू हाँ, सर, इसके थैंक यू लिए सो हमारे लिए मच। अच्छा रहेगा। और इसमें जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो भी करते हैं इस अपने बीआईएम के इंटर्नशिप को, बट मैं उनको बोलूंगा कि उनको बीआईएम इंटर्नशिप करने से पहले उनको एचवीएसी सीखना चाहिए, जिसको बोलते हैं हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, अगर वो लोग वो सीख करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बाकी सिविल वालों के लिए तो बेस्ट ही है। चलो, और किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हो आराम से के करके। सर एक क्वेश्चन था हाँ लो बोलो। सर, जैसे कि स्ट्रक्चर में और बीम में हम अपना प्रोफाइल में भी यहाँ पे इंटर्नशिप करके जॉब करेंगे, तो सर जैसे कि एज ए पास होने के बाद सिविल इंजीनियर, सर मैंने कभी साइट पे जॉब ही नहीं किया है, तो क्या इसका रिक्वायरमेंट रहेगा कि जैसे कि हम कंप्यूटर में बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं कि पहले मुझे ऑन साइट कुछ दिन वर्क करना चाहिए, ऐसा क्या कुछ? करोगे ऑन साइट बताओ, ऐसा क्या है जो साइट के बारे में तुमको नहीं पता है? जैसे कि सर कि स्टील को डिजाइन करें स्ट्रक्चर के मामले में, तो वहाँ पे
ऑन फील्ड, मतलब कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट में कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, बीम पे एक्स्ट्रा वर्क कैसे डल रहा है ऑलरेडी आपके कई ढेर सारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो चुके हैं ना इंडिया में, कई ढेर सारे प्रोजेक्ट तो एग्जीक्यूट हो चुके हैं ना, कि आप किसी प्रोजेक्ट की केस स्टडी नहीं ले सकते हो? यस सर, ले सकते हैं। मैं जैसे कि सर, जैसे कि वहां पे कंक्रीट का क्वालिटी, वो क्वालिटी चेक करना या फिर वो आपका काम नहीं है, आपका काम है एनओसी देना, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना। तो आप कब दोगे? आपका जो रिक्वायरमेंट आपने देख लिया उसके हिसाब से आप वहां पे, इवन तुम अगर साइट पर काम कर लिए तो बीआईएम में तो हो जाता है टाइम शिफ्टिंग, क्योंकि बीआईएम में बोल दिया जाता है कि भाई मैं गया था, मुझे नहीं पता था बीआईएम न्यू टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बाद में पता चला। स्ट्रक्चर्स में पूछा जाता है कि तुम जब साइट पर गए थे तुम स्ट्रक्चर में क्यों आ रहे हो, ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है लोगों के साथ। और दिक्कत ये होती है कि फिर वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते, पर मैंने ये देखा है कि बीआईएम वाले में लोग कर लेते हैं कि चलो ठीक है कर लेते हैं, ठीक है, मतलब उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं कोई साइट नहीं है डालने का मेथड, यही तो सीखना है, ठीक है। आप चार वीडियो देखते हो आपको पता चल जाता है। और किसी कोई डाउट है पूछो, वैभ हो, ओके सर। हाँ जी बोलो सोमेन। सर मेरे को वही पूछना था अभी करियर गैप के बारे में। एक्चुअली मैं 2016 बीटेक पास आउट हूँ और एक्चुअली मेरे को 5 साल का साइट का एक्सपीरियंस है सर। ओके। और अभी मैं एक्चुअली स्विच करना चाहता था बीआईएम में। करेक्ट। तो कर सकते हैं या सर बहुत लेट हो चुका है? बीआईएम ही एक ऐसा प्रोफाइल है जिसमें आप कर सकते हैं। और मैं सर लेकिन जो 5 साल था, हाँ। 5 साल था वो ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला था वो। करेक्ट। तो वो ना बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है ना वो ब्रिज का एक्सपीरियंस। आपकी कंपनी किस किस फील्ड में काम करती है पहले ये बताओ। वो सर प्योरली ट्रांसमिशन में, पावर ट्रांसमिशन लाइन, हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन। ओके, ठीक है, पूछना नहीं चाहिए, बट लास्ट पैकेज अप्रॉक्स कितना आपका है अभी? लास्ट सर अभी लास्ट अभी 4 लाख का है। 4 लाख का है अभी। आप ना उस स्टेज पे हो कि बस अब बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, और अगर क्योंकि देखो सीधे सीधे अगर आपका पैकेज 7-8 तक होता तो बैक आना बड़ा दिक्कत हो जाता, ठीक है। पैकेज से सर कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली क्या हो गया था वहाँ सीखने को और कुछ रहा नहीं, सब स्टैग्नेट हो चुका था। मैं समझ सकता हूँ, अभी मेरा एक स्टूडेंट है रिलायंस जियो का जो टावर बनता है उसमें है, ठीक है। अब उसने स्विच करके बीआईएम में स्विच किया, रिलायंस में 7 साल का एक्सपीरियंस है उसका, ठीक है। तो कुछ वैसा ही आपका भी केस है। तो देखो स्ट्रक्चर्स में, इसमें सॉरी बीआईएम में आप कर सकते हो, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आपका रहना चाहिए, ठीक है। पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो को देख के सामने वाला बोले यार ये तो कर लेगा, ठीक है। और नो डाउट थोड़ा सा पैकेज से कम्प्रोमाइज 3.6 के आसपास आपका लग सकता है अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो। इसीलिए मैं पूरे गुरुकुल के स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बोलता हूँ कि इंग्लिश की कम्युनिकेशन क्लास करो, अपनी एक कम्युनिकेशन क्लास होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही डिपेंड करता है आपका पैकेज, ठीक है। देखो सीधे सीधे उसको ना आप देखो आपके कंपनी में ट्रांसमिशन टावर का होता है, उसको आपको कैसे करना है, उसमें थोड़ी सी चीजें बिल्डिंग से रिलेटेड ऐड करनी है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, जैसे फुटिंग है, फुटिंग तो होगी ही ना। हाँ, फुटिंग को उसमें ऐड कर सकते हो, लैपिंग है उसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा आईएस कोड का नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कवर सर वहाँ पे क्वालिटी इंजीनियर था। ओके, थोड़ा उसके ऊपर तो ज्यादा था, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको बताऊंगा आपको सीवी में कैसे इसको ऐड करो, इन सब पॉजिटिव चीजों को ऐड करो, जो काम की नहीं है उनको मैं हटवा दूंगा आपसे, ठीक है। और उसके बाद मैं जो मेन डालूंगा वो इंटर्नशिप का पूरा आधा पेज का डिटेल डालूंगा आपके पीसीबी में, ठीक है। तो अभी क्या बोलते हैं, मैं हर एक स्टूडेंट को करता हूँ तो आपको भी दिखाऊंगा वो, तो वहां से आपको आइडिया लगेगा अच्छा ठीक है ये चीज हम कर लेंगे तो हमारे सीवी में जो पीछे की चीजें वो छिप जाएंगी, आगे की चीजें हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है। नो डाउट कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कम्युनिकेशन है तो आप समझा लोगे लोगों को, मैं उस पे काम कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, बस तब हो जाएगा, होने की गारंटी मेरी है, ठीक है। मैं खुद आपको बोल रहा हूँ कि मैं करवा दूंगा, ठीक ठीक, थैंक यू सर, चलेगा। और कोई बताइए, किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हो, अपना पर्सनल क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ सोचना नहीं है क्योंकि अपन सब भाई है। हाँ सर, बोलो। हाँ ये बोल रहा था सर, मैं 19 का पास आउट था ना सर। हाँ। तो अभी मैं लगभग 2 साल से जॉब कर रहा हूँ इधर पंजाब, हिमाचल और इधर जम्मू साइड में साइट इंजीनियर के तौर पे ना। एक्चुअली क्या है कि मेरे जो कंपनी का वर्क प्रोफाइल है सर, एक्चुअली मैक्सिमम इंटीरियर का वर्क है। करेक्ट। और कभी कभार मतलब सर ऐसा है कि स्ट्रक्चर मतलब स्टार्टिंग से काम वगैरह करने का हम लोग को मिलता है। करेक्ट।
तो वही आपका वीडियो वगैरह ऐसा देखा था, तो मतलब वही स्ट्रक्चर बीम क्या है, मतलब कौन सा बेस्ट होगा सर, और हम लोग के लिए जैसे अब इतना गैपिंग हो गया है तो करना सही नहीं है क्या है ऐसा सर? पहली बात तो ये समझो कि 19 का पास आउट बहुत ज़्यादा हुआ ही नहीं गैपिंग से, ये सिर्फ थॉट प्रोसेस है कि ज़्यादा हो गया है, मानो इस चीज़ को एज एक्सपीरियंस होल्डर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा नहीं है गैप, ठीक है? क्योंकि आज अगर तुम देखो कि आज एक पॉडकास्ट डाला हुआ है मैंने, वो जो लड़का है क्या बोलते हैं अपना स्टूडेंट अशफाक करके, तो वो क्या बोलते हैं 19 का पास आउट है, उसके बाद उसने काम ही नहीं, तुम तो काम कर रहे थे, उसने काम ही नहीं किया है, और अभी वो BIM में उसका सिलेक्शन हुआ है, एक MNC में वो भी। तो अब देखो क्या कर सकते हो तुम, इसके लिए मैं बता, तुम्हारा जो केस है, इस केस में तुम्हें पता है कि वहाँ पर इंटर्नशिप, तुम्हारी कौन सी कंपनी है ये? मतलब एक छोटी कंपनी डी डी कोर करके है। बहुत अच्छा है, छोटी है तो क्यों अच्छा है बताता हूँ। देखो अभी हम आपको पूरा काम सिखा देंगे, ठीक है? अब आपकी डी डी कोर इतनी छोटी कंपनी है कि बिलीव करो मुझे तो पता ही नहीं वहाँ क्या क्या होता है जी, ये तो पता है ना। तो अब तुम मुझे जो जो बताओगे वही वही तो मैं मानूंगा ना जी सर, ठीक है? तो हम इंटरव्यू में क्या आपको सिखाते, क्या मैं आपको गुरुकुल में सिखाता हूँ कि देखो आपको ऐसा आपको रिप्रेजेंट करना है कि मैंने ये काम किया हुआ है वहां पर, ठीक बस वो काम आना चाहिए ना सपोज, ठीक है? तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि देखो आप ये वो आपको पता है इंटीरियर का काम होता है, लेकिन मुझे थोड़ी पता है कि आपकी डीडी जो भी कंपनी है उस कंपनी में एक्सटीरियर नहीं होता, ठीक है? आप बोलो एक्सटीरियर भी होता था, ठीक है? सपोज आपने बोल दिया एक्सटीरियर होता है, मैं बहुत करूंगा तो क्या कहूंगा, ऐसा करो एक्सटीरियर होता है एक बना के दिखा दो। नहीं एक्सटीरियर होती है, मतलब मैक्सिमम नहीं होती है, प्रॉब्लम ही है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मान लो कि नहीं भी होता है, अगर तुमने हाँ भी बोल दिया तो मैं बहुत करूंगा, तो मैं बोलूंगा ना करके दिखाओ। वो मैं तुमको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है सर? तो मैं तुम्हारी CV को ऐसा रोटेट कर, देखो अपना गुरुकुल का कॉन्सेप्ट यही है ना कि एक एक लोग पे पर्टिकुलर काम होता है, तो यहाँ पर कैसे करूंगा कि आपका वहाँ पर एक्सटीरियर वर्क भी दिखाऊंगा, इंटीरियर भी दिखाऊंगा, उसके अलावा दिखाऊंगा कि वॉक थ्रू बनाते थे आप, क्योंकि वो बोलेंगे करके दिखाओ, तुम्हें आता रहेगा तुम करके दिखा दोगे, ठीक है? तो तुम्हारी CV को मैं रोटेट कर दूंगा पूरी तरीके से BIM की तरह से, तो उनको लगेगा ही नहीं, और तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है ये काउंट करवा दूंगा BIM में, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। सर ये बीम का फॉरेन वगैरह गल्फ कंट्रीज वगैरह में क्या करियर है सर, क्योंकि मेरे दोस्त लोग तो उधर में मतलब है कोई बीम वैसा करके नहीं है, जैसे IT इंजीनियर कोई प्लानिंग इंजीनियर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बीम वैसा कोई भी मेरे दोस्त यार तो नहीं है फॉरेन में, ठीक है? फॉरेन में इसका ज्यादा रिक्वायरमेंट है। देखो सीधी सीधी बात है कि आज के टाइम में आप देखो हम लोग कैसे होता है कि अभी मैंने मोबाइल खरीदा यहाँ पे, तो एक मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल को खरीदने से पहले मैंने क्या किया, मैंने इसका रिव्यू चेक किया ना। आपने भी जैसे कि गुरुकुल को ज्वाइन करने से पहले सोच अच्छा होगा कि छोड़ ठीक ले थोड़ा सा फीडबैक वगैरह देख लेता हूँ सर का कैसा है, राइट? ये हर कोई करता है, अच्छी चीज़ है। तो मतलब क्या है कि आपने थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मैंने एक मोबाइल खरीदने के लिए 10 इंक्वायरी कर ली, क्या रिस्पॉन्स है, कैमरा अच्छा है कि नहीं, बैटरी बैकअप वगैरह वगैरह। सेम चीज़ बिल्डिंग में तो है। BIM क्या है? BIM एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप रिव्यू निकालते हो बिल्डिंग का, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मॉडल अच्छा दिखेगा, रिव्यू तो है ना ये, ठीक है? और फ्यूचर रिव्यू बेस्ड ही रहने वाला है। हम सबका माइंडसेट कैसे होने वाला है हर चीज के बारे में, बिल्डिंग का मॉडल बनाया, पता नहीं बिल्डिंग अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा कि मुझे खुद का घर बनाना है, तो पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कुछ ऐसा बनाऊंगा, इमेजिनेशन पहले आ रहा है ना। तो जहां इमेजिनेशन है, जहां ख्वाब है, जहां ड्रीम है, वहां BIM पक्का रहेगा। तो बड़े शहरों में और ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वहां पर वो लोग और रियलिस्टिक, उनके उनके अंदर अवेयरनेस ज्यादा है। तुमको बता दूं इंडिया में आज के टाइम में 60% ऐसी कंपनियां हैं जो कि फॉरेन के वर्क उठा के BIM का यहाँ कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उनके ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज पे, और अभी अपने भी लोग समझदार हो रहे हैं, धीरे धीरे पैसे लगा रहे हैं, बट उनके कंपेयर में कम है। चलो और किसी को क्वेश्चन है? राजन कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ राजन, हाँ राजन, अपने करियर में सर कि फ्यूचर में बीम कोऑर्डिनेटर बनना और बीम मैनेजर के बीच में सर कभी कभी ये जो दोनों ऑप्शंस आती है कि मतलब कि हाँ इसमें भी अच्छा कर रहे हैं और इसमें भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वीडियो आती रहती है निम्नी ब्रांचेस और जगहों पे, सर सब कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि आखिर किस पाथ और किस वे में सडनली मूव करें। अच्छा थोड़ा सा मुझे क्लियर करो, तुम कौन सी ईयर में पास आउट हो? सर अभी तो मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ है सर। ठीक है, थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ। अब तुम्हें डाउट क्या आ रहा है पहले बताओ, किधर जाऊं? सर डाउट
डाउट ये है कि मैं तो आप ही का स्टूडेंट हूँ सर, स्टूडेंट हूँ सर, मुझे पता आप देखते रहता हूँ सर। दिक्कत ये होती है मेरे साथ कि अभी तो मेरा बीम कंप्लीट हुआ है सर, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में लो हो रही थी बीम के फील्ड में, जैसा कि आप जो मैंने देखा आपकी सारी ये रिक्वायरमेंट, सोचा कि इससे क्या पता और अच्छे से कॉन्फिडेंस हो जाए इम्प्रूव हो। और सर एक बात है सर कि अभी मैं जब पढ़ रहा हूँ सर बीम कोऑर्डिनेटर एंड बीम मैनेजर, मैं सर इसमें कंफ्यूज हूँ कि मैं किस में अपना कैरियर बनाऊँ सर। तुम इन दोनों में ना बनाओ, इन दोनों में तुम्हारा बनेगा भी नहीं। अब बोलो सर क्या बात कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हारा मॉडलिंग, तुम्हारा जो कैरियर बनेगा वो एज अ बीम मॉड्यूलर बनेगा पहले, ठीक है। ये जो तुम स्टेप की बात कर रहे हो ये थर्ड स्टेप्स है, ठीक है, और थर्ड और फोर्थ स्टेप की तुम बात कर रहे हो, मतलब तुम तीसरी और चौथी सीढ़ी की बात कर रहे हो। ये सीढ़ी तुम्हारे लिए बनी ही नहीं अभी के लिए, अभी तुम्हें बनाना पड़ेगा अपना कैरियर एज अ बीम मॉड्यूलर या फिर बीम ड्राफ्टमैन, दोनों एक ही है, ठीक है। तो अभी तुम्हारा पहला सीढ़ी, पहला फोकस किस पे होना चाहिए, बीम मॉड्यूलर या बीम ड्राफ्टमैन पे। उसके बाद दूसरा होता है स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर, ठीक है, दूसरा फोकस आपका होना चाहिए, दूसरी सीढ़ी है स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर की। तीसरी सीढ़ी है बीम कोऑर्डिनेटर की। तो आप तीसरी सीढ़ी के बारे में अभी से कंफ्यूज मत हो, पहली सीढ़ी मजबूत करो बीम मॉड्यूलर की। वो हो गई है तो फिर उसके लिए पहले मुझे तो पोर्टफोलियो दिखाओ कि सच में हो गई है कि नहीं, मैं बता दूंगा। अगर मुझे दिखेगा कि सच में हो गया है तो वेल एंड गुड, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट प्रोफाइल है स्ट्रक्चर मॉड्यूलर की। अगर वो भी हो गया तो मुझे दिखा देना उसका पोर्टफोलियो। फिर तीसरा आता है स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेटर, सॉरी बीम कोऑर्डिनेटर की। जो बीम कोऑर्डिनेटर का प्रोफाइल कंप्लीट कर लेता है उसको मिलता है बीम मैनेजर की प्रोफाइल। तो तुम तीसरे और चौथे पर क्यों जा रहे हो, पहले दूसरे पर फोकस करो। ओके सर, ठीक है। तो ये तीसरे चौथे हैं वो मैं देखते होगे ना, उसमें एक्सपीरियंस लिखा रहता होगा जिस प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ ना, ठीक है। तो तीन साल मिनिमम लगता है कोऑर्डिनेटर बनने में और चार साल लगता है मिनिमम बीम मैनेजर बनने में। किसी भी ओपनिंग उठा के देख लो, तुम गूगल पे डालो, ठीक है, ओके चलेगा। सर अच्छा एक क्वेश्चन और था सर। हाँ जी बताओ बताओ। सर जैसे अभी बीम में फ्रीलांस और वर्क फ्रॉम होम के भी ऑप्शन रहते हैं सबसे ज्यादा, अगर किसी सिविल में किसी में रहता है तो बीआईएम में रहता है फ्रीलांसिंग करना। अब लोग सर क्यों, तो उसका रीजन समझो। देखो अगर तुम स्ट्रक्चर का फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हो, ठीक है, इंडियन कोड अलग होगा, अमेरिकन कोड अलग होगा, यूएस अलग है, यूएस अलग है, ब्रिटिश अलग है, कैनेडियन कोड अलग है, ठीक है, टोटल 21 कोड्स है, ठीक है, हाँ ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंटीरियर का, लंदन का इंटीरियर भी ऐसे ही होगा, तुम्हारे यहाँ का भी इंटीरियर ऐसे ही होगा। एक्सटीरियर डिजाइनिंग की बात करो, इसमें भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जैसा तुम्हारा वैसे उनका, ठीक है। गार्डनिंग करने का, लैंडस्केपिंग करने का, जैसा तुम्हारा गार्डन ऐसा है उनका गार्डन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट कोड पकड़ने की जरूरत नहीं है, एक मेथड सीख लिया हर जगह के लिए काम कर सकते हो। इसलिए बीआईएम में जो फ्रीलांसिंग वर्क होता है सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे बड़ा रीजन यही है। और सर एमएनसी जो होती है वर्क फ्रॉम होम भी देते हैं बीआईएम में, बहुत ज्यादा देते हैं। अभी तो करंट में ही मैंने ही निकाला 3-4 कंपनियों के जिनके वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि अगर आपको काम समझ में आ गया है, देखो वर्क फ्रॉम होम में ना कंपनी को, मेरे पास इस समय लगभग 6 एम्प्लॉई है जिसमें से 4 परमानेंट है और सब वर्क फ्रॉम होम है। अच्छा गुड, मेरा कितना पैसा बच रहा है आपको पता है, ऑफिस का रेंट बच रहा है और स्टाफ का, पुणे का ऑफिस का स्टाफ का पता है, आप पुणे में एक अगर छोटा सा ऑफिस लोगे तो 1.5 लाख रुपए उसका चार्ज होता है, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब मैं, मेरे जो एम्प्लॉयज है अप्रॉक्स उनकी सैलरी 20 और 15 के बीच में है, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेशर्स है मैक्सिमम। अब 4 एम्प्लॉय को मुझे देने का कितना लग रहा है, मुश्किल से 1 लाख रुपए पकड़ लो, ठीक है। अब ये जो रेंट में देने वाला था उससे मेरे पास 4-4 एम्प्लॉय आ गए, 4 हाथ आ गया मेरे पास रेंट न, रेंट बिना दिए। सही बात है, हर कंपनी ऐसा चाहेगी, हर कंपनी ऐसा चाहेगी, ठीक है। अब ये चीज लगभग उन सभी जगहों पे पॉसिबल है जहां पर सब काम लैपटॉप पे हो सकता है। और बीम में क्या होता है, बीम होता है बीआईएम 360, ठीक है, बीआईएम 360 क्या होता है, हाँ सर बीआईएम 360 का बहुत आता है, उसमें लिख के लाना चाहिए। तो बीआईएम 360 का अकाउंट बनता है, ठीक है, तुम अपने घर पे हो, लंदन में हो, अमेरिका में हो, कहीं पे भी रहो, ठीक है, प्रोजेक्ट लॉगिन मैं कर दूंगा, ठीक है, सारे एम्प्लॉय मिलके, बस कुछ ऐसे ही कि मतलब सब लोग मिलके एक साथ बैठ गए, अमेरिका वाला अपना आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है, तुम यूएस, तुम बैठे हो क्या बोलते कनाडा में, तो तुम वहाँ पर क्या बोलते स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे हो, कोई एक है जो एमईपी पे काम कर रहा है इंडिया में बैठ के, और मैं एज ए एडमिन देख रहा हूँ कि सब सही चल रहा है कि नहीं, और वो ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा काम कितना हुआ,
हाँ जैसे सेंट्रल फाइल सर, सेंट्रल फाइल जैसा, सेंट्रल फाइल जो बनता है सेंट्रल फाइल बीआईएम 360 से ही वर्क करता है। अच्छा ठीक है, तो अब ऐसे काम में मुझे क्या जरूरत है कि मैं तुमको बुलाऊं? हाँ बिल्कुल सही, जैसे आपका सर ये कोर्स रहेगा तो उसमें स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस रहेगा, जैसे टेक्ला है, रेबिट है, और स्ट्रक्चर्स और मॉडलिंग, स्ट्रक्चर्स और मॉडलिंग, स्ट्रक्चर और मॉडलिंग, इन दोनों पे ठीक है सर। इसमें लोड कैलकुलेशन भी रहेगी या सिर्फ मॉडलिंग? नहीं, मॉडलिंग और स्ट्रक्चर डिटेलिंग रहती है। अच्छा स्ट्रक्चर डिटेलिंग रहेगी, पूरी बात लगाना और ये सब देखना भी रहता है, ये मेन है बीआईएम के लिए। बाकी सर वो रीडिंग करना तो आप बताते होंगे, जैसे लोड जो आया है, लोड निकल के ऐसे मान लीजिए, तो उसको रीड करना, कैसे रीड करके और कितना लगाना है बार साथ। देखो जैसे हमको एसटी नंबर आपको बताएंगे ना कि भाई हमें स्ट्रक्चर इंजीनियर ने एसटी दे दिया 1000, ठीक है, अब उसके हिसाब से कैसे रिटेलिंग देंगे रवि स्ट्रक्चर्स, वो मैं आपको बताऊंगा। अब वो रीड करना आप बताएंगे, राइट? ओके, तो जो जो आपको बीआईएम में वर्क करना पड़ेगा खासतौर से स्ट्रक्चर्स और मॉडलिंग, क्योंकि यही मेन पोर्शन होता है और इन दोनों पे मेन फोकस रहता है पूरे ट्रेनिंग में। ये फिक्स है कि तुम किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो ये फील नहीं होगा यार ये चीज़ तो मुझे आता ही नहीं, हर चीज़ आती रहेगी, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन है पूछो सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो सर, जैसे कि बीम में डिफरेंट 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 जैसे कि वर्क प्रोफाइल है, जैसे कि बीम मॉडलर, उसके बाद बीम कोऑर्डिनेटर, बीम मैनेजर, तो सर स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा प्रोफाइल उसमें पूछे नहीं तो सोचे थोड़ा इसमें पूछ लेते हैं। हाँ। और वो प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बता दीजिए, और उसके बाद इसमें भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं क्या? किसमें? स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में कम कर सकते हैं, कम मतलब समझ रहे हो? देखो सीधी सीधी बात है कि अगर इंडिया का है, ठीक है, तब तो तुम्हें सारा कुछ स्टैंडर्ड तुमको पता है, तुम अपने घर से जाके अभी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ब्रिटिश कोड का है, कोई अमेरिकन कोड का है, तो उसके लिए हो सकता है कि तुम्हें, क्योंकि डेफिनेटली एक बार में इंडियन कोड पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है, रिस्क ज़्यादा रहता है, इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि आप अगर बहुत अच्छी कंपनी है तो उनके पास क्लाउड सिस्टम है, ठीक है, और इंडिया में अभी इतनी बहुत अच्छी कंपनी नहीं है तो बोलते हैं भैया हमारे सामने करके दिखाओ, कोड की बुक दे देंगे मोटी सी, बोलेंगे कोड के हिसाब से करके दिखाओ, ठीक है। बीआईएम में ज़्यादा है वर्क फ्रॉम होम एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और स्ट्रक्चर में भी लॉकडाउन में तो पूरे लोग स्ट्रक्चर्स पे ऑनलाइन ही कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे, बट वो मजबूरी थी इसलिए। सर उसमें सर थोड़ा प्रोफाइल के बारे में बता दीजिएगा, किसमें, स्ट्रक्चर्स में? यस सर, स्ट्रक्चर्स में जो पहली प्रोफाइल होती है वो होती है स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन की, जो ऑटोकैड पे होती है। दूसरा होता है जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर की, जो कि सेंट्रल लाइन निकालता है, कॉलम पोजीशन देता है और बिल्डिंग की एनालिसिस करता है, ठीक है। तीसरा होता है डिजाइनर की, मतलब सीनियर स्ट्रक्चर डिजाइनर की, या फिर बोलो कि स्ट्रक्चर इंजीनियर बोल लो, सेम ही है। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम होता है कि जो डिजाइन हो चुका है अब उसमें कितना एसटी आ रहा है कैलकुलेट करना, उसके हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करना कि क्या कम कर सकते हैं क्या स्टील को, वो करना स्ट्रक्चर इंजीनियर का मेन काम वो है। उसके बाद चौथा जो प्रोफाइल होता है वो बीम्स का बंदा करता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर डिटेलर की। तो एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में केवल तीन ही प्रोफाइल होती हैं, पहला है ऑटो स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन की, दूसरा है जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर, तीसरा है सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर की। उसके बाद भी प्रोजेक्ट हेड वगैरह हो तो मैनेजिंग प्रोफाइल में आ जाते हैं, बस तीन ही मेन प्रोफाइल है सीखने के लिए। ओके सर ठीक है चलेगा। और किसी कोई क्वेश्चन? वैभव वैष्णवी आप थोड़ा सा लेट आए हो तो इसलिए आपको शायद नहीं समझ में आया होगा कि हम लोगों ने क्या क्या बताया, तो मैं इसका जो वीडियो है यूट्यूब पे डाल दूंगा, एक बार पूरा देख लेना सो देट यू कैन गेट आइडिया कि ओके क्या सर ने बताया, ठीक है। कि तुम लोगों ने नहीं देखा, कुछ लोग लेट आए थे तो शायद उनको नहीं पता चला होगा। और कोई कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हो? हर्षिता एनी डाउट या फिर किसी को कोई डाउट? सर आई हैव वन क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन है। यस यस पूछो। सर आफ्टर मैं सर एमटेक जैसे कंप्लीट किया हूं, तो एमटेक कंप्लीट करने के बाद सर बीम में जाना सही रहेगा या फिर स्ट्रक्चरल में? जैसे कि देखो अगर सही गलत की बात करोगे तो स्ट्रक्चर्स में जाना सही रहेगा, क्योंकि तुमने स्ट्रक्चर्स में मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है। ज्यादा ग्रोथ सर, जल्दी ग्रोथ? अब यहां पर ग्रोथ, देखो ग्रोथ मैं बताता हूं कि अभी मैं गया था वो एप्पल का जूस पीने के लिए, ठीक है, एप्पल का जूस बनाता है एक बंदा है, ठीक है, और मैं यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर अपनी बाइक का अभी बुलेट का पेट्रोल लगा के गया था, ठीक है, बोला नहीं बस मस्ती के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो था, जितने का जूस नहीं था उससे ज़्यादा का मेरा इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, सिर्फ जूस पीने गया था क्योंकि मुझे पसंद है, ठीक है। तो अब मैं क्यों गया था पता है क्यों? क्योंकि वैसा जूस पूरे पुणे में मुझे कहीं मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर आप क्वालिटी देते हो, चाहे स्ट्रक्चर्स में दो चाहे बीआईएम में दो, अगर आपके पास नॉलेज है, क्वालिटी है, तो फिर डेफिनेटली आप किसी में भी रहोगे आप ग्रोथ कर लोगे। अब एक चीज़ यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्वालिटी कौन दे पाता है पता है क्या? जिसको इंटरेस्ट होता है,
ठीक है। तो आपको रघुनंदन क्या सर्च करना पड़ेगा, मेरा इंटरेस्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या स्ट्रक्चर्स में है कि बीआईएम में है। अभी तुम्हारी तुम स्ट्रक्चर वाले बैच में थे ना, मैंने पूछा था ना, मैंने बोला था कि दो चीज़ें हैं आपको दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ बिल्डिंग मटेरियल पढ़ने के लिए और दूसरा दे रहा हूँ सोम पढ़ने के लिए। तो आप रघुनंदन आप क्या प्रीफर करोगे? सोम सर। सोम, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए आपको स्ट्रक्चर्स में जाना चाहिए न कि बीआईएम में। आप भले ही बीआईएम की मीटिंग में आए हो, मैं आपको मना करूंगा। सर मैं साइड वाइज वो जो फ्रीलांसिंग का काम बीम सीख कर बीम कर सकता हूं सर। यस, ये बहुत अच्छी चीज बोली है। जब आपके पास एक फील्ड की एक्सपर्टीज हो जाती है, ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं तो मैंने पहले स्ट्रक्चर से ही प्रोफाइल अपनी स्टार्ट किया था और लास्ट में मैंने बीआईएम में ही अपने आप को देखा कि मेरी एक आदत है कि जब मैं देखता हूँ कि जिस चीज़ का डिमांड मार्केट में आने वाला है उस चीज़ में खुद को अपग्रेड करने लगता हूँ। अभी मेरी एक्सपर्टीज हो चुकी है आर्किटेक्चर में और स्ट्रक्चर्स में। तो पहले मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर में प्रोफाइल स्टार्ट किया, जब मेरा एक टाइम हो गया पर्टिकुलर कि अब मैं हो चुका हूँ, तो फिर मैंने बीआईएम में अपने आप को स्विच किया। आज मेरे पास दोनों का नॉलेज है। नाउ उसके बाद मैंने क्या किया, अभी लॉकडाउन में मैंने पीईबी पढ़ा, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स, बहुत डिटेल में गया। अभी मुझे मेरे पास प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का अच्छा नॉलेज है। तो डेफिनेटली आप मल्टीपल चीज़ों का कर सकते हो। अभी मैं प्रीकास्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ, इस समय करंट का सीनियर मैं आपको बताता हूँ, मैं प्रीकास्ट की स्टडी कर रहा हूँ। तो मतलब क्यों, क्योंकि अगले आने वाले इंडिया में हो सकता है उसका डिमांड बढ़ जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले आप स्ट्रक्चर्स में करियर बनाइए, जब आपको लगे कि मैं स्ट्रक्चर्स में मजबूत हो चुका हूँ सर, तब आप बीआईएम का स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, और जब बीआईएम में आप मजबूत हो जाए फिर तीसरी आप प्रोफाइल देख सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर्स को करने में लगभग आपको 1.5 से 2 साल लगेगा कम से कम, ठीक है। ये मैं बोलूँगा कि पहले आपको स्ट्रक्चर्स में जाना चाहिए न कि बीआईएम में, क्योंकि उसमें जॉब आपको जल्दी लगेगी एज कम्पेयर टू बीआईएम, और बीआईएम में जॉब बहुत है लेकिन आपके लिए स्ट्रक्चर्स अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। जी सर, ठीक है, चलेगा। और ये बिल्कुल कोई भी मेरे कहने से करियर का चुनाव नहीं करेगा, ठीक है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। कभी ये मत बोलना कि सर ने बोला था इसलिए कर लिया। सर का काम है जस्ट बताना कि देखो भाई, जिसको मैथमेटिक्स टर्म्स अच्छा लगता है वो स्ट्रक्चर्स में जाओ, जिसको क्रिएटिव टर्म्स अच्छा लगता है बीआईएम में आओ। मेरा सिर्फ ये आंसर होता है, न कि मैंने किसी को बोला कि इसमें करो या इसमें करो। क्यों? क्योंकि लाइफ में बिलीव करो, सबसे ज़्यादा पता है क्या दिक्कत होती है सिविल में, या फिर सिविल में खासतौर से लोगों को ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, बाहर निकलते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता है। आपको केवल एक ही जॉब के बारे में पता होता है, साइट। आपने क्या किया, आपको जाना था सब्जी लेने, ठीक है, सब्जी लेने के लिए एक रास्ते से गए, बाद पता चला यार इधर बड़ी भीड़ लगी हुई है, फिर आप साइट से वापस आ जाते हो, फिर आप सोचते हो आप क्या करूं, फिर आप दूसरी प्रोफाइल मान लो बिलिंग चूज़ कर लिया, फिर गए यार अरे यार इधर भी बहुत भीड़ है, कोई खास मज़ा नहीं आ रहा है, फिर वापस आते हो, फिर आप चले जाते हो किसी और प्रोफाइल में, कुछ लोग क्वालिटी वगैरह में चले जाते हैं, फिर क्वालिटी से वापस आना पड़ता है उनको, फिर कोई सर्वे में चला जाता है। मतलब अभी लक्ष्य पे पहुंचे ही नहीं, रास्ता ही बदलते रह जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो लक्ष्य कैसा होना चाहिए कि जिसका लॉन्ग टर्म हो। बीआईएम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका बहुत बड़ा रास्ता है, मतलब ख़त्म ही नहीं होता है ये रास्ता। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपको डीप में समझना है, बहुत सी चीज़ें सीखना है, तो आप बीआईएम में चले जाओ, बहुत कुछ है सीखने को, ठीक है। इसी के साथ मेरे तरफ से एंड है। आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर हम दोनों चलते हैं। किसी को कुछ पूछना है और किसी को भी, जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे कि सर मुझे बैच में आना है, वो लोग क्या कर सकते हो, इसका मैंने फीस तो बताया नहीं, इसका फी है 20,000 पूरे बैच का, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको कुछ भी डिटेल में और जानना रहेगा तो मुझे DM कर देना, मैं टाइम निकाल के आपसे कन्वर्सेशन कर लूँगा, ठीक है। किसी और क्वेश्चन को कुछ पूछना है सर? आपने जो ग्रुप ओपन किया है उससे आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ग्रुप में मत करना, DM करना। ग्रुप में ना करने का मेन रीजन क्या है कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि सर से क्या बात हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ठीक है सर, ठीक है। जैसे कि मान लो जो पुराना ऐड हुआ है वो तो समझ गया कि बैच की बात हो रही है, जो आज ऐड हुआ होगा ग्रुप में वो सोचेगा क्या बात हो रही है, समझ रहे हो? तो इसलिए वो वहां पर पजल हो जाता है, चलेगा। किसी और को कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो। मेरे तरफ से मैंने 5-6 बार पूछ लिया, शायद अभी नहीं होगा किसी को दिक्कत कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो भी दिक्कत रहेगा कोशिश ये करूँगा एक सेशन और बीच में मैं ले लूँगा, ठीक है। होप आपका तब तक में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबको गुड नाइट, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वक्त दिया और मुझे भी थैंक यू क्योंकि मैंने भी वक्त निकाला। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, बाय बाय।